हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल धवज की रसोई में। आज मैं एक कच्चे आलू की रेसिपी, बहुत ही यूनिक, टेस्टी, हेल्दी रेसिपी बनाना बताऊंगी आप सबको। मेरी किचन में जो सामान अवेलेबल है मैं उसी में बनाना बताऊंगी, और बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में ये बन के रेडी हो जाती है। और बच्चों की फेवरेट कम ऑयल वाली एकदम चटपटी सी रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम वीडियो बनाना और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारी गांव देहात की फेमस रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए फिर हमारी किचन में देर किस बात की, इसको बनाना बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कद्दूकस हो गए हमारे आलू इस तरीके से, ये मीडियम साइज़ के करने हैं हमें, और इन्हें पानी में ही रखना है वरना ये लाल पड़ जाएंगे। तो चलिए हमारी गैस की ओर आगे की स्टेप बताते हैं। हम थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, पोहा खाने टीस्पून से, 2 टीस्पून। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम राई ऐड करेंगे, काली वाली। इसका ना लुक बहुत ही अच्छा आएगा, काली वाली राई का। तो इसमें हम इसको तड़कने देते हैं। और 2 हमारी हरी मिर्ची है, इसको भी डालेंगे हम बारीक कटी हुई। मिर्ची हमारी पक जाए जब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्ची 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, हमारी मीठी लीम है इनको भी डालेंगे हम। मसाला हमारा पक गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना हमें, ज़्यादा मसाला नहीं पकाना है। और हल्का सा पक जाए जब हमें इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। और हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, इसको उबलने देते हैं। थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी डालेंगे इस तरीके से, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी रेसिपी में। और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी में। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे हम इसमें, मिक्स कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये ना बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी, और बहुत ही कम ऑयल में बनती है, और बच्चों को बहुत ही पसंद है, इतनी पसंद कि रोज़ बनवाते हैं और खाते हैं हमारे बच्चे। और ये हमारे 2 आलू हमने इनको 2-3 पानी से धो लिए हैं, पानी में भी हमारा उबाल आ चुका है। अब हमने 2 आलू कद्दूकस करे हैं, इसको भी हम इसमें पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना हमें आलू, बिल्कुल हल्के हल्के पकाना है। हमारे आलू भी हल्के पक गए हैं, हाफ पकाए हमने, 50% आलू पक गए हैं, तो हमें इतना ही पकाना था आलू। अब हमारी जो 1 कप सूजी है, इस तरीके से जैसे कि हमने 1 गिलास पानी लिया है, 1 कप सूजी है हमारी, तो अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसे पका लेंगे। सूजी हमारी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं, इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है। तो इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस को कम कर दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें लम्स नहीं रहने देना इसमें। और पानी का नाप ऐसा है कि मोटी वाली सूजी लेना आप तो थोड़ा ज़्यादा पानी ले लीजिए 1 गिलास से, और बारीक वाली सूजी रहे तो 1 गिलास ले लीजिए, इस तरीके का नाप होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं और हमें चलाते हुए इन्हें पकाना है। तो ये इस तरीके से हमारा हाथ बेकर हो गया है, सूजी वाला आलू वाला हमारा पक चुका है अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें हम मिला देते हैं हरी धने के पत्ते, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए हमारा बेटा, नहीं तो ये सेट नहीं होगा अच्छे से। और हमने हरे धने के पत्ते भी इसमें मिला लिए हैं। और ये इस तरीके का हमारा बेटर पक चुका है। गैस को कर देते हैं बंद अब हम, और इसको अगल बर्तन में हम निकालेंगे। बर्तन चाय वाली ट्रे है, इसमें ही हम निकालेंगे। आपके पास टीन वाली हो तो उसमें निकाल लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा तेल लेके और सारे इस पर हम इसको कवर कर लेंगे तेल से, ऑयल से। जिस बर्तन में हमने ऑयल करा है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, निकाल लेंगे यानी कि इस तरीके से। इसमें हमने ऑयल लगा लिया है और इससे हम इस बैटर को सेट कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म है, हमें गर्म ही सेट करना है। तो थोड़ा सा ऑयल कटोरी में लगा लीजिए और फिर इसको सेट कर लीजिए।
और ये देखिए हमने इस तरीके से लिया है, थोड़ा सा खाली रहने दिया ताकि हमें थोड़ा सा इसमें हमें आधा इंच के करीब मोटाई रखना है इसका। तो लीजिए फ्रेंड, इसको हमने इस तरीके से कटोरी की मदद से सेट कर लिया है और इसको हम ठंडा होने देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ठंडा होने में, तब तक के लिए हम इसकी दूसरी स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। और ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगा ये नाश्ता और बहुत ही टेस्टी, और बच्चों को बेहद ही पसंद आता है ये नाश्ता। तो आप है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए गर्मियों के मौसम में। तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, इसको ना 15 मिनट हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए है ना। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो कट अपने हिसाब की डिज़ाइन रख लीजिएगा। तो हम इसमें से कट कर लेते हैं, ये सेट हो गया अच्छे से और बहुत ही इजी नाश्ता बनता है ये। तो इसमें से हम तो इस तरीके की हम इसकी डिज़ाइन कट कर लेंगे, ये देखिए है ना। और ये इसको हम त्रिकोण डिजाइन में लेंगे, तो इसमें से हमने बीच में भी कट कर दिया है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है ये। आलू समोसे की कचौड़ी, जब भी आपको कचौड़ी पकोड़े की याद आए तो इस तरीके के नाश्ते भी ट्राई करिए, बहुत ही एंजी। और ये देखिए हम आपको एक उठा कर बता देते हैं, ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट। और अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हमने ऑयल गरम रख दिया है गैस पर, इसको सारे को निकाल लेते हैं। और ये हमने निकाल लिए हैं इस तरीके से, और ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। ऑयल एक बार अच्छा गरम हो जाए फिर इन्हें हम एक एक करके सारे हमने इस तरीके से आलू और सूजी का नाश्ते को और कम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। सारे को हमने इस तरीके से डाल दिए हैं। अब इन्हें एक मिनट इस तरीके से पकाएंगे नीचे की साइड, फिर ये एक मिनट में सिक जाए, हमें दूसरी साइड पकाना है। तो ये मध्यम आंच पे सेकना है इन्हें, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे सिकने में इन्हें। दूसरी साइड पलटना है और हल्का सा कलर चेंज होए, थोड़ा गोल्डन हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो हम इसे पलटते हुए पका लेंगे। तो ये अच्छे से, ये देखिए हो गया ना गोल्डन गोल्डन कलर। सारे को हम इसी तरीके से पलट लेंगे, उलटते पलटते। इन्हें 2 मिनट लगेंगे पकने में, तो हम सेक लेंगे इन सारे को। इन्होंने देखिए कलर छोड़ दिए हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है, बहुत ही टेस्टी। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना इसका, गोल्डन गोल्डन। सारे को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा लगता है। तो इसे बनाकर ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए। निकाल लेते हैं इस तरीके से आ जाएंगे। इसमें हम वापिस भी नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी बार के भी इसी तरीके से सेक लिए हैं। ये बहुत ही क्रंची बने हैं बाहर से और अंदर से एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट बने हैं। तो सारे हम आलू के नाश्ते को निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता हो गया बनके रेडी। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इस तरीके के नाश्ते को, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फ्रेंड्स, ये हमारा आलू सूजी का स्नैक नाश्ता क्रंची क्रंची बना है। इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसे बच्चे बूढ़े सारे को पसंद आता है नाश्ता। और आप चाहे तो इसे टमाटर केचप चटनी, हरी पुदीने की चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी तो इतना है कि आपको क्या बताएं, बच्चों को बहुत ही पसंद है और ये बहुत हेल्दी टेस्टी है। गर्मियों के सीज़न में बच्चों का ये हेल्दी नाश्ता बनाकर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए एक बार। को हमारी गांव देहात की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, गुड बाय, नमस्ते।